नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की और इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी बोले किसानों को बरगलाना बंद करे विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को दिया झटका, हाथरस मामले को लेकर आई अहम खबर, लव जिहाद कानून पर योगी सरकार को मिली कोर्ट से राहत, भूपेश बघेल ने कालनेमी से की बीजेपी की तुलना, इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को जरूर दबाइए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सलाहकार समिति ने मॉडर्ना द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि इससे लगभग एक सप्ताह पहले फाइजर के कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने आगामी सीनेट के चुनाव को लेकर पाकिस्तान की इमरान सरकार को घेरते हुए कहा कि सीनेट का चुनाव कब होगा इसका फैसला पाकिस्तान का चुनाव आयोग करेगा, ना कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानूनों को रातों रात पेश नहीं किया गया है। साथ ही पीएम ने हाथ जोड़कर विपक्ष से निवेदन करते हुए कहा कि किसानों को बरगलाना और भ्रमित करना छोड़ दीजिए। पीएम मोदी ने कोविड-19 से प्रभावित रहे साल 2020 पर आज लोगों से उनकी राय मांगी है और आने वाले साल से उनकी उम्मीदों के बारे में भी पूछा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 27 दिसंबर को मन की बात कार्यक्रम से पहले लोगों से ये राय मांगी है। उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर चीन और पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि सीमा पर जारी चुनौतियों के बीच हमारी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी संसाधनों की कोई कमी नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय, सांसद अर्जुन सिंह समेत चार नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की जांच कर रही सीबीआई ने आज मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी, जहां सीबीआई ने चार्जशीट में इस मामले में पकड़े गए सभी चारों आरोपियों को आरोपी बनाया है। तमिलनाडु में एक समूह के 15 ठिकानों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी अभियान में 700 करोड़ की बेनामी कमाई का पता चला है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने पुनर्गठन को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, जहां इस बीच हिमाचल में पंचायती राज और निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। किसान आंदोलन के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। लव जिहाद अध्यादेश पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। राजस्थान में निजी स्कूल फीस विवाद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया, जहां कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निजी स्कूल 28 अक्टूबर की राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार फीस ले सकते हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां उत्तराखंड में करीब 11,000 अपात्र लोग जरूरतमंदों के नाम पर दी गई 11 करोड़ की रकम डकार गए हैं और अब इन सभी के खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा
कि कुछ लोग भगवान राम के नाम का उपयोग वैसे ही करते हैं जैसे कालनेमी ने किया था। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोग केवल स्वार्थ बस राम का नाम लेते हैं, जबकि हम लोगों ने सदा से जन जन में बसे राम को पूजा है। सड़क एवं परिवहन और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने टोल बूथ को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार GPS तकनीकी से टोल लेने की तैयारी कर रही है और ऐसा होने के बाद अगले 2 साल में किसी भी हाईवे पर टोल बूथ नहीं रहेंगे। व्हाट्सएप ने भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस भी शुरू कर दी है, जहां कंपनी ने इसके लिए SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। साथ ही खबर है कि जल्द ही यूजर व्हाट्सएप के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद पाएंगे। एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों की तरह ही कंगारू भी इंसानों की मदद मांगने से परहेज नहीं करते। शोधकर्ताओं के मुताबिक कुत्तों की तरह कंगारू भी इंसानी व्यवहार को बहुत अच्छे से समझ पाने में सक्षम होते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच एडिलेड में कल से शुरू हुआ है, जहां आज दूसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दोपहर बाद 8 विकेट गंवा दिए थे। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष हॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं, जहां जल्द ही वे एंथोनी और जो रूसो की फिल्म द ग्रे मैन में नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही अपने डांस वीडियो को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है, जहां अब उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वह स्वैग से स्वागत गाने पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल और घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।